आज का हमारा टॉपिक होगा मैटरनल पेल्विस। क्या होगा? मैटरनल पेल्विस। पेल्विस के बारे में बात करेंगे आज हम। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से क्रिएट होंगे, छोटे छोटे आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, पेल्विस की बात करूं तो पेल्विस एक बोनी स्ट्रक्चर है। कैसा है? बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर है जो बेसिन शेप होता है। बेसिन शेप, वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन, ऐसा वॉश बेसिन शेप का होता है। ठीक है, जैसे वॉश बेसिन होता है वैसी शेप का मिलेगा आपको, बेसिन शेप का बोलते हैं। बोनी स्ट्रक्चर है तो बोन का बना हुआ होगा। कौन कौन सी बोन से मिलके बना हुआ है? तो देखिए, कुल मिला के चार बोन से मिलके बना हुआ है। कितनी बोन से? चार बोन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो तो इनोमिनेट बोन है, इनोमिनेट बोन है दो तो। ठीक है, और बात करें, दो इनोमिनेट बोन है, एक सैक्रम है, एक कॉकेक्स है। कॉकेक्स, कुल मिला के तीन टाइप की बोन है, चार टोटल बोन है। इनोमिनेट बोन जो है वो जो टोटल जुड़ी हुई है उसके पास तीन पार्ट है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इनोमिनेट बोन तीन बोन से मिलके बनी हुई है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से मिलके बनी हुई है। यहां पे बात करें सैक्रम और कॉकेक्स, कुल मिला के चार टाइप की बोन आपको देखने को मिलेगी, चार बोन देखने को मिलेगी, एक सैक्रम, एक कॉकेक्स और दो इनोमिनेट बोन। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, बात करें इसके जॉइंट की तो बोन है तो बोनी स्ट्रक्चर है तो दो स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए जॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कितने जॉइंट्स होंगे? सेम रहेगा। हम बात करेंगे जॉइंट्स की, जॉइंट्स तो चार जॉइंट है कुल मिला के। देखिए कहां कहां पे, फोर जॉइंट्स हैं, टू तो, दो तो हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट, जो सैक्रम बोन को इलियक बोन से जॉइंट करेगा उसको क्या बोलोगे? सैक्रो इलियक जॉइंट। ये तो होते हैं दो। उसके बाद बात करें दूसरा, सैक्रो इलियक के बाद सैक्रो कोक्सियल जॉइंट, कोक्सियल जॉइंट, सैक्रो कोक्सियल जॉइंट, जो आपको एक देखने को मिलेगा जो सैक्रम और कॉकेक्स बोन के बीच में होगा। तीसरा प्यूबिस सिंफाइसिस, प्यूबिस सिंफाइसिस या सिंफाइसिस प्यूबिस। क्लियर है? देखिए तीन टाइप के जॉइंट है, टोटल चार जॉइंट है, सैक्रो और इलियक। सैक्रम बोन जो है सैक्रम बोन को इलियक बोन के साथ कनेक्ट करने वाला जो जॉइंट है उसको क्या बोलोगे? सैक्रो इलियक जॉइंट। क्लियर? दूसरा सैक्रम और कॉकेक्स, सैक्रम और कॉकेक्स बोन को जो जॉइंट करेगा उसको बोलोगे सैक्रो कोक्सियल जॉइंट, और जो तो प्यूबिस बोन को कनेक्ट करेगा, प्यूबिस बोन के एरिया से ही कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? सिंफाइसिस प्यूबिस। सिंफाइसिस का मतलब भी जॉइंट होता है, दो प्यूबिस स्ट्रक्चर्स को जॉइंट करेगा उसको क्या बोलोगे? प्यूबिस सिंफाइसिस। आपको समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये है पूरा पेल्विस का स्ट्रक्चर, और पेल्विस के स्ट्रक्चर में ये है इनोमिनेट बोन। ठीक है, दो इनोमिनेट बोन है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ये सैक्रम पार्ट है, ठीक है, और ये कॉकेक्स पार्ट है, नीचे की तरफ ये कॉकेक्स पार्ट है। तो ये तीनों बोन से मिलके पूरा पेल्विस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखें तो इसमें जॉइंट की बात करें तो इसमें एक तो सैक्रो, ये वाली जो बोन है इसका नाम है सैक्रम, और इस बोन का नाम है इलियक। तो सैक्रो इलियक जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है,
सैक्रो इलियक जॉइंट एक यहाँ पे है। एक जॉइंट की बात करें, दूसरा जॉइंट वो है सैक्रम कोकिक्सियल जॉइंट, कोकेक्स बोन, ये है कोकेक्स बोन। इन दोनों बोन को जॉइंट करने वाला जो पॉइंट उसको बोलते हैं सैक्रो कोक्सियल जॉइंट। उसके बाद बात करें नेक्स्ट और लास्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो दो प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक बोन है, इन प्यूबिक बोन को कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा है प्यूबिस सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। देखिए पेल्विस की बात करें तो पेल्विस दो पार्ट में डिवाइड है एनाटोमिकली, पहला फॉल्स पेल्विस, दूसरा ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी फॉल्स पेल्विस की, तो फॉल्स पेल्विस क्या है, बेसिकली फॉल्स पेल्विस अबो द ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस के अबो जो हिस्सा है उसको क्या बोलोगे आप, फॉल्स पेल्विस बोलोगे। क्लिनिकल ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती भाई, नो ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भाई, डिलीवरी से रिलेटेड कोई इसमें काम नहीं है इसका। और बात करें थर्ड पॉइंट ट्रू फॉल्स पेल्विस की, तो फॉल्स पेल्विस कहाँ पे सिचुएटेड है, फॉल्स पेल्विस सिचुएटेड है कहाँ पे, अबो द इनलेट ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का जो सुपीरियर पार्ट है जिसको आप इनलेट या ब्रिम बोलते हो, अभी आप देखोगे उस इनलेट के अबो जो हिस्सा है उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। और अगर इसके पार्ट की बात करें, एंटीरियरली बात करें, एरिया की बात करें हम, एरिया इसका, एरिया ऑफ फॉल्स पेल्विस, तो देखिए एंटीरियरली एब्डोमिनल स्किन और मसल्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है। लेटरली बात करें साइड से, तो लेटरली इलियक फोसा इलियक बोन के पार्ट से कनेक्ट है। उसके बाद बात करें पोस्टीरियरली पीछे से, तो पोस्टीरियरली लंबर जो बोन है उसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, लंबर बोन के साथ कनेक्ट है। उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, फॉल्स पेल्विस बोलते हो। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं ट्रू पेल्विस की, ठीक है। देखिए ट्रू पेल्विस क्या है, एक तो ऑब्स्टेक्टिकल सिग्निफिकेंस है प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी रिक्वायरमेंट है भाई इनके साइज शेप की, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रू पेल्विस की बात करूं तो बिलो द फॉल्स पेल्विस होता है, फॉल्स पेल्विस के जो नीचे पार्ट है, उसको। दूसरा पॉइंट की बात करें, ये जो फॉल्स पेल्विस है ये सपोर्ट करता है, ओनली क्या करने का काम करता है, ओनली सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करता है सिर्फ फॉल्स पेल्विस, ठीक है। लेकिन जो ट्रू पेल्विस है उसका एक्चुअल डिलीवरी के टाइम पे रिक्वायरमेंट रहती है, हैव ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस होती है भाई, ठीक है। और तो भाई इसके डिवीजन की बात करें तो तीन पार्ट में ट्रू पेल्विस डिवाइड है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा। पहला है इनलेट या ब्रिम, इनलेट और ब्रिम। दूसरा है कैविटी, तीसरा है आउटलेट। अगर हम इसको ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मान ले और यहां पे इस एरिया में है फॉल्स पेल्विस, ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं इनलेट, क्या बोलेंगे, इनलेट बोलेंगे, ठीक है। और बात करें इनलेट के बाद ये जो हिस्सा है ये है कैविटी, बीच में जो है, जो इनलेट आउटलेट है, जो आउटसाइड की तरफ है आउटलेट, ये है आउटलेट। इनलेट का दूसरा नाम ब्रिम है,
ब्रिम, BRIM, ब्रिम, ब्रिम भी इसको बोलते हैं। बेसिक ये डिवीजन ही है, इनके डायमीटर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके कौन कौन से डायमीटर होते हैं, तो हम एक एक करके इनके डायमीटर्स को देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं डायमीटर ऑफ इनलेट और इनलेट। तो इनलेट की बात करते हैं पहले, इनलेट कौन से एरिया को बोलते हैं, इनलेट की बात करते हैं, तो सुपीरियर एरिया है भाई, सुपीरियर, सुपीरियर एरिया, सबसे सुपीरियर जो एरिया है इस ट्रू पेल्विस का, ऑफ द ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस, जहां पे आपको कुछ लैंडमार्क नजर आते हैं, जहां पे आपको कुछ पेल्विस के लैंडमार्क याद करने पड़ेंगे, लैंडमार्क्स, वो लैंडमार्क्स क्या क्या है एक बार नाम देख लिए, सैक्रल प्रोमिनेंट्री, सैक्रल प्रोमिनेंट्री, इलियो पेक्टियल लाइन, इलियो पेक्टियल लाइन, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, पैक्टीरियल लाइन और सिंफाइसिस प्यूबिस, सिंफाइसिस प्यूबिस, ये सारे पार्ट हैं। क्या क्या नाम है, सैक्रल प्रोमिनेंट्री, इलियो पैक्टीरियल लाइन, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, पैक्टीरियल लाइन और सिंफाइसिस प्यूबिस या प्यूबिस सिंफाइसिस, सिंफाइसिस प्यूबिस सिंफाइसिस। देखिए देखिए ये है स्ट्रक्चर पेल्विस का, और ये पेल्विस का फॉल्स पेल्विस हैं दोनों, ठीक है, और ये जो बीच में है मिडिल, ये है ट्रू पेल्विस, ठीक है, ये ट्रू पेल्विस का आउटलेट, आउटलेट पार्ट है, ठीक है। ये तो बात थी इसकी, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस की। उसके बाद देखिए ये है सिंफाइसिस प्यूबिस, नंबर वन सिंफाइसिस प्यूबिस, नंबर फोर है पेक्टीलियल लाइन, कौन सी लाइन है, पेक्टीलियल लाइन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो एमिनेंस उभरा हुआ है इस समय आपको नज़र आ रहा है फिफ्थ में, उसका नाम है इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद देखो सिक्स जो नंबर है इलियो पेक्टीलियल लाइन, कौन सी लाइन है, इलियो पेक्टीलियल लाइन। उसके बाद सैक्रम जॉइंट, सैक्रो सैक्रो इलियक जॉइंट, और उसके बाद सैक्रल प्रोमिनेंट्री, और क्या लिखा हुआ है, सैक्रल प्रोमिनेंट्री। ये सारे लैंडमार्क्स हैं पेल्विस के, ठीक है, ध्यान रखना आपको।